साथियों, मेरे देश के नौजवान साथियों, आज आपको अपने वोट की कीमत को पहचानना होगा। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर आपको वोट को बराबरी का अधिकार नहीं देते, तो क्या ये मनुवादी नेता आपके गांव गली मोहल्ले गंदी बस्तियों में चमचमाती कारों में सवार होके आपसे वोट मांगने आते क्या? नहीं आते मेरे साथियों। अरे जो लोग आपके साथ ऊंट बैठ नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, वो लोग आपके घरों में वोट मांगने आते क्या साथियों? आज भी आपके साथ जातिगत भेदभाव होता होगा, फिर भी हम लोग इन्हें वोट दे देते हैं, तो इस बात को हमें समझना होगा मेरे साथियों। आज हमें इस बात को समझना होगा कि संसद के अंदर 200 सांसद ऐसे हैं जिनकी संपत्ति हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबपति में है, अरबपति मेरे साथियों। धीरे धीरे चुनाव की रेस से गरीब आदमी बाहर हो गया है मेरे साथियों। गरीब आदमी कितना भी ईमानदार हो चुनाव नहीं लड़ सकता मेरे साथियों, इस बात को हमें याद रखना होगा। और आज आप अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हो, अपने हक और अधिकारों की अगर लड़ाई लड़ते हो, तो ये भाड़े के टट्टू आपको डराने और धमकाने की कोशिश करेंगे मेरे साथियों, पर अगर आपने पलट कर देख लिया तो ये भाड़े के टट्टू तुम दबा कर भाग जाएंगे मेरे साथियों। इसलिए इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों आप लोगों को। और अंत भक्तों का तो क्या ही कहना, अगर इन्हें मोदी जी दिन दहाड़े चौक चौराहे गली मोहल्ले अगर चाबुक लेकर के सटा सट भी चलने देगा, तब भी ये कहेंगे बहुत मजा आ रहा है मोदी जी, दो सपाटे और लगा दीजिए, क्योंकि आप तो जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। तो इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि इनका बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया है मेरे साथियों। और मैं अभी रास्ते से आ रहा था, रास्ते में एक दीवार पर लिखा हुआ था फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने अपने साथी से कहा कि मुझे मार्कर पेन दे दे, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि पहले 15 लाख मिला फिर तेरी सरकार आने की बात होगी, पहले 2 करोड़ रोजगार दे फिर तेरी सरकार आने की बात होगी, पहले काला धन ला फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। तो इस बात को याद रख लेना, बहुत हुई महंगाई की मार तब की बार मोदी सरकार। तो ये 100 रुपए लीटर का पेट्रोल क्या इनका चाचा बेच रहा है क्या? ये 1100 रुपए में सिलेंडर इनका फूफा बेच रहा है क्या? इस बात को हमें याद रख लेना मेरे साथियों। और भाइयों और बहनों, मेक इन इंडिया बनाएंगे, सब कुछ भारत में बनेगा, बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता ही नहीं है। वाह मोदी जी वाह, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं जापान से, राफेल ला रहे हैं फ्रांस से, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू लाए चीन से, तो इन मेरे नीले और पीले गमछे वालों से क्या पकौड़े करवाओगे मोदी जी? सब कुछ तो आप बाहर से ला रहे हो मेरे साथियों। और मेरे देश के नौजवान युवा साथियों, भले ही आप बेरोजगार हो पर रोजगार मत मांगना, अगर आपने रोजगार मांग लिया तो आपको पीट पीट कर ढोर बना दिया जाएगा, पर वोट एक ही पार्टी को देना, क्योंकि ये अब्दुल की दुकान बंद करवाएंगे। मेरी देश की माता और बहनों, भले बलात्कारी और दरिंदे छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हो, पर बलात्कारियों के ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी, पर वोट एक ही पार्टी को देना, क्योंकि ये अब्दुल की दुकान बंद करवाएंगे। मेरे देश के किसानों, भले आपको फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा हो, फिर भी वोट एक ही पार्टी को देना, क्योंकि ये अब्दुल की दुकान बंद करवाएंगे। ऐसे सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है, और जब हम विरोध करते हैं तो कुछ अंधभक्त कहते हैं कि मोदी जी तो सब देश के लिए ही कर रहे हैं, ना उनका कोई बीवी है ना बच्चे हैं, ये जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों, कि क्या गब्बर की कोई लुगाई थी क्या? उनके बच्चे थे क्या? नहीं थे ना, फिर भी वो लूट मार करता था कि नहीं करता था? इस बात को हमें हमेशा याद रख लेना चाहिए मेरे साथियों। इसी के साथ और